अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू करंट टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मेहता वासी है और इस चैनल पे मैं आपको सिखा रहा हूँ मेडिकल बिलिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन नेटवर्क प्रोवाइडर, आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन नेटवर्क प्रोवाइडर के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं, आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर के क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी इन नेटवर्क प्रोवाइडर। इन नेटवर्क प्रोवाइडर वो होता है या पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर वो होता है जिसकी इंश्योरेंस के साथ जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो। ठीक है, इसमें मज़ीद आसानी से आपको समझाता हूँ कि इंश्योरेंस के साथ आपका एक डॉक्टर का या प्रोवाइडर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस सीपीटी कोड्स के लिए हम आपको ये रेट पे करेंगे और प्रोवाइडर उससे एग्री करता है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि हर एक प्रोवाइडर इन नेटवर्क हो सकता है, उसके लिए उस इंश्योरेंस की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं जो प्रोवाइडर ने पूरी करनी होती हैं। आप ये कह लें कि उसके पास स्टेट लाइसेंस होना चाहिए, उसकी डिग्री वेरीफाई करते हैं, ये पूरा प्रोसेस होता है, इसको क्रेडेंशियलिंग का प्रोसेस कहते हैं। प्रोवाइडर को इन नेटवर्क कराने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है, उस पूरे प्रोसेस से प्रोवाइडर को गुजरना पड़ता है। अच्छा, आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर ये होता है कि उसका किसी किस्म का कोई भी इंश्योरेंस के साथ उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हुआ होता, कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि प्रोवाइडर होना ज़रूरी है, उसके पास लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस, ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, लेकिन उसका कोई ये एग्रीमेंट नहीं होता इंश्योरेंस के साथ कि हम आपको इस सीपीटी कोर्स का ये रेट पे करेंगे, वो कुछ डिसाइड नहीं होता। वो इन नेटवर्क प्रोवाइडर से उसको रेट ज़्यादा भी मिल सकता है। तो इस पे पूरी इस पे आज हम बात करेंगे। अच्छा, आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर में आगे दो तरीके होते हैं। कुछ इंश्योरेंसेस ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर को पे ही नहीं करती। ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं, आप जो है पार्टिसिपेट हूँ, आउट ऑफ नेटवर्क को हम पे नहीं करते। कुछ इंश्योरेंसेस ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर को पे कर देते हैं और इन नेटवर्क से ज़्यादा भी पे कर देते हैं। उसके लिए एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि अपने प्रोवाइडर के जो डेमोग्राफिक्स होते हैं वो इंश्योरेंस में अपडेट करवाने होते हैं। उसमें इंश्योरेंस आपसे W9 मांग सकती है, उसका नाम, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर, उसका NPI, कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, वो इंश्योरेंस के रिकॉर्ड में अपडेट करानी होती हैं। उसके बाद अगर पेशेंट का PPO प्लान है, यानी कि अगर पेशेंट के बेनिफिट्स में आउट ऑफ नेटवर्क के बेनिफिट्स हैं, तो प्रोवाइडर को जो है वो उस उन CPT कोड्स के लिए पेमेंट मिल जाएगी। अच्छा, CPT कोड्स बिल्कुल सेम होते हैं, CPT कोड में कोई डिफरेंस नहीं होता। जो ही आप जब क्लेम सबमिट करते हैं तो इंश्योरेंस के पास जाती है, अगर प्रोवाइडर आउट ऑफ नेटवर्क है तो वो उसकी आउट ऑफ नेटवर्क में अगर पेशेंट बेनिफिट्स हैं तो वो क्लेम प्रोसीड हो जाते हैं। अच्छा, इसमें इंश्योरेंस किस तरह पे करती हैं? कुछ इंश्योरेंस ऐसी होती हैं कि जो जितने अलाउबल रेट्स होते हैं उनके आउट ऑफ नेटवर्क के वो पे कर देते हैं। कुछ इंश्योरेंस ऐसी होती हैं कि जो आपको एक प्रपोजल भेजते हैं कि ठीक है, हमारा पेशेंट आपके पास आया था, आपने उसको ट्रीटमेंट किया, आपने ये CPT कोर्स बिल किए, इस CPT कोर्स का हम आपको इतने पैसे देंगे। तो फिर वो आपको पास प्रोवाइडर के पास प्रपोजल आता है, प्रोवाइडर उस प्रपोजल को साइन करके भेजता है तो उसको इतनी पेमेंट इशू हो जाती है। अच्छा, इसमें आउट ऑफ नेटवर्क में ये होता है कि आपको आप इंश्योरेंस से ज़्यादा भी डिमांड कर सकते हैं कि नहीं, हमें इससे ज़्यादा पैसे चाहिए। इसको मैं मज़ीद इलेबोरेट करता हूँ। कुछ प्रोवाइडर ऐसे होते हैं जो जैसे कि पैथोलॉजी के प्रोवाइडर हो गए या एनेस्थीसिया के हो गए, वो चाहते ही नहीं है कि हम इंश्योरेंस के साथ पार्टिसिपेट हों। वो चाहते हैं कि हम इंश्योरेंस से आउट ऑफ नेटवर्क हों और इंश्योरेंस से ज़्यादा पैसे डिमांड करें, और उनको ज़्यादा पैसे मिल भी जाते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट के बेनिफिट में आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज है तो फिर प्रोवाइडर भी, वो ऐसे प्रोवाइडर होते हैं कि वो पेशेंट ही वही लेते हैं जिसके पास PPO प्लान हो और जिसके पास आउट ऑफ नेटवर्क के बेनिफिट्स हों, फिर उसको इंश्योरेंस को अच्छा खासा चार्ज करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि $6,000 से लेके $25,000 तक भी क्लेम कुछ इंश्योरेंसेस के पे हो जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसमें इन नेटवर्क में होने का फ़ायदा और नुकसान क्या है। इन नेटवर्क प्रोवाइडर में पार्टिसिपेट होने का फ़ायदा, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसके पास पेशेंट वॉल्यूम ज़्यादा आता है, क्योंकि जब आप पार्टिसिपेट होते हैं तो लेट्स सपोज आप BCBS की इंश्योरेंस से आप पार्टिसिपेट हैं तो उनकी डायरेक्टरी में आपका नाम लिखाता है। अगर लेट्स सपोज मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे बिहेवियर हेल्थ का कोई प्रोवाइडर चाहिए, तो जो ही मैं वो उसका जिप कोड डाल के सर्च करूँगा तो एक पूरी लिस्ट आ जाएगी कि मेरे नज़दीक तीन कौन सा प्रोवाइडर है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आ जाएगी। लेकिन आउट ऑफ नेटवर्क में ऐसा नहीं होता। इन नेटवर्क में रहने का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपकी क्लेम जो है, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है उनके साथ, तो आपके क्लेम इजीली प्रोसीड हो जाते हैं, जल्दी प्रोसीड हो जाते हैं,
जबकि आउट ऑफ नेटवर्क में कभी कभी क्लेम पे होके उसकी उसका फॉलोअप ज़्यादा करना पड़ता है, और कभी कभी क्लेम जो है वो 6 महीने साल तक जाके पे हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें इन नेटवर्क में रहने का नुकसान क्या होता है। इन नेटवर्क में रहने का नुकसान ये है, कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है ये, लेकिन कुछ प्रोवाइडर के लिए ये होता है कि अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसके एक फिक्स रेट, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है इंश्योरेंसेस के साथ, तो उस सीपीटी कोड का आपको एक वो जो फिक्स रेट होता है वो ही मिलता है उस सीपीटी कोड के अगेंस्ट। जबकि आउट ऑफ नेटवर्क में ये होता है, अगर आप आउट ऑफ नेटवर्क हैं तो आप इंश्योरेंस से ज़्यादा पैसों की डिमांड कर सकते हैं कि नहीं, ये हमने पेशेंट देखा है तो जितना आप दे रहे हैं नहीं, हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा हो। इसमें ये होता है कि जो आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं वो बेसिकली उसी पेशेंट को यार डालते हैं जो किसी जिसके पास जो किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हो या किसी बड़ी फर्म में हो, ताकि उसको इंश्योरेंस को बाद में वो अगर इंश्योरेंस पे नहीं करती तो फिर वो पेशेंट को कहते हैं अगर आप हमें बिल नहीं करेंगे तो हम पेशेंट को बिल करेंगे, तो फिर कोई भी इंश्योरेंसेस नहीं चाहती कि हमारा जो क्लाइंट है उसको बिल किया हो, क्योंकि उसने फिर इंश्योरेंस ली होती है। तो कुछ कुछ इस तरह की प्रोवाइडर इस तरह का करते हैं, कुछ जो बड़ी आसामी होती है उसी को हार डालते हैं। अच्छा, इसके अलावा इन नेटवर्क आउट ऑफ नेटवर्क में रहने का जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके पास पेशेंट वॉल्यूम, क्योंकि जाहिर बात है आप इंश्योरेंस की डायरेक्टरी में शो नहीं हो रहे तो इंश्योरेंस तो पेशेंट का वॉल्यूम इतना आपके पास नहीं होता। दूसरा इसमें ये होता है कि आपको आउट ऑफ नेटवर्क क्लेम पे बिल करके उसको रीइंबर्समेंट के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है, और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप एचएमओ, अगर एचएमओ क्लेम, इसमें एचएमओ और पीपीओ क्या होता है इसमें मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, चैनल ने पढ़ी है वो देख सकते हैं, कि पीपीओ प्लान अगर पेशेंट के पास होगा तो तभी इंश्योरेंस उनको पे करेगी, अगर पीपीओ प्लान नहीं है एचएमओ है तो इंश्योरेंस नॉर्मली ज़्यादातर इंश्योरेंसेस आपको पे नहीं करती, क्योंकि पेशेंट के बेनिफिट्स ही नहीं है तो वो आपको पे नहीं करती। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इन नेटवर्क हूँ, प्रोवाइडर चाहता है कि वो इन नेटवर्क हो, लेकिन वो हो नहीं पाता। उसकी वजूहत ये हो सकती है कि इंश्योरेंस का पैनल क्लोज हो, उस सूरत में भी प्रोवाइडर आउट ऑफ नेटवर्क भी जाता है। अब पैनल क्लोज क्या होता है, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप न्यूयॉर्क में बिलिंग कर रहे हैं या न्यूयॉर्क में काम कर रहे हैं तो आपको ये मसला वहाँ पे आएगा, वहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादातर इंश्योरेंसेज के पैनल क्लोज होना शुरू हो गए। पैनल क्लोज ये होता है कि एक स्पेसिफिक एरिया में अगर इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर ऑलरेडी ज़्यादा हैं तो एक नया डॉक्टर वहाँ पे इंटरनल मेडिसिन का अगर इंश्योरेंस के साथ पार्टिसिपेट होना चाहे तो इंश्योरेंस कहेगी कि नहीं, हम हमारा पैनल क्लोज है, इस एरिया में ऑलरेडी हमारे पास डॉक्टर हैं, हम आपको फैसिलिटेट नहीं कर सकते। तो उसके बावजूद भी अगर वो अपना क्लिनिक खोल लेता है वहाँ पे, उसका क्लिनिक है वहाँ पे, और उस इंश्योरेंस के अगर पेशेंट उसके पास आ रहे हैं तो अगर उनके पास आउट ऑफ नेटवर्क के बेनिफिट्स हैं तो वो वहाँ से लेगा और वो बिलिंग कर सकता है। लेकिन इसमें पैनल क्लोज का फिर आगे जाके इसका हल ये होता है कि आप किसी आईपीए के थ्रू जाके अपनी क्रेडेंशियल करवा सकते हैं। जब हम क्रेडेंशियल की बात करेंगे तो आईपीए पे मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। और इसका एक हल और भी होता है, आप सिंगल केस एग्रीमेंट करवा सकते हैं एचएमओ का पेशेंट देखने के लिए। अगर पेशेंट के पास एचएमओ प्लान्स हैं और आप आउट ऑफ नेटवर्क हैं तो उसके तो फिर भी इसका एक हल होता है, सिंगल केस एग्रीमेंट होता है, वो डिटेल में वीडियो बनाऊंगा उस पर। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि सिंगल केस एग्रीमेंट क्या होता है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको समझ आ गई होगी कि इन नेटवर्क प्रोवाइडर क्या होता है, आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर क्या होता है। इन नेटवर्क प्रोवाइडर जो इंश्योरेंस के साथ पार्टिसिपेट होता है, आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर वो होता है जो इंश्योरेंस के साथ पार्टिसिपेट नहीं होता। अगर आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर है तो उसकी बिलिंग कैसे हो सकती है, इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें समझ आ गई होगी। मज़ीद इस रिलेटेड अगर कुछ भी आपको कुछ कुछ क्वेश्चन है, कुछ कंसर्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो तेज़ी से ज़्यादा अपलोड करने की कोशिश करूं यहां पे, ताकि आपको इसमें आसानी हो। ये 4-5 वीडियोस ऐसी हैं जो बेसिक हैं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे और मैं आपको बताएंगे, आपने बताऊंगा क्लेम सबमिट कैसे करना है, डेमोग्राफी कैसे डालनी है, तमाम डिटेल्स जो है वो आपको इस चैनल पर बताई जाएगी। तो वीडियो के बारे में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।